हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल इन मास्क। कैसे हो आप सब? ये वाला व्लॉग मैं चांद रात से स्टार्ट कर रही हूँ और आज इफ्तार से पहले हम लोग सब मेहंदी डला रहे। पहले भाभी की लग रही थी मेहंदी और जोहा 2 घंटे लगाए मेहंदी का डिज़ाइन ढूंढने और फिर भी नहीं मिला। और चांद रात के दिन इतने सारे काम रहते ना घर में, क्या ही बताऊँ। हमें दादी जी को पूछने वाली है, ये मेहंदी डाल सकते हैं क्या? तो जोहा ने दादी जी को पूछने वाले ये मेहंदी डाल सकते क्या, तो देखिए उनका रिएक्शन। और दादी मेरे को ये मेहंदी वाला मिला, देखो ये वाली होना कते उन्हें बोलते आंखा बंद करके भी डाल सकती हूँ मैं। खाली उंगली से लेके लगा देती हूँ। देखिए भाभी की कितनी अच्छी दिख रही, वेरी नाइस। तुम डला लो, जो मैं डाल चू नाको, तुम उसमें भी गड़बड़ कर देते तुम्हारे पे उत्ता चुमटी नहीं। और दूसरे हाथ की भी स्टार्ट हो गई, अलग है ना डिजाइन। ये वाली दला रही है, थोड़ा पतला है। मम्मी ने आपकी शादी के टाइम पे भी ऐसे दलाए थे सिमिलर, पतला पतला ऐसा। जोहा तुम्हारा हो गया ढूंढ के? मेरी भारी मेहंदी की मैं सिर्फ इधर से ही दला रही हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस जो है ना फुल स्लीव्स है। चलिए स्टार्ट करेंगे। उनके जैसी होना, भाभी के जैसी सेम होना। इधर बैठे हुए दोनों ये हाथ की मेहंदी डन हो गई, कितनी प्यारी लग रही। अब ये हाथ पे डालेंगे, जोहा अभी तक चूज ही नहीं करी। यहाँ पर भाभी की जो है ना सामने की साइड हो गई और मेरी भी, अब पीछे की साइड डलेंगे। मैं नहीं डला रही हूँ पीछे, क्यों? नहीं यार मैं नहीं डलाऊंगी पीछे, मुझे बस है सामने, आई मीन ये साइड बस है, क्योंकि मेरे को यही दिखाने का है ना, ये कौन देखेगा मेरा हाथ। मुझे बस इससे ईदी लेना है, ईदी मेहंदी खराब कर दिए। सॉरी इट्स ओके मुझे इससे बस ईदी लेना है, ईदी ये हाथ बताऊंगी मैं। सब आप पहले देंगे, भाभी पहली भाभी, ये हाथ से मैं बावड़ी का छुल्लू बताऊंगी जो बच्चे ईदी पूछेंगे। इक्के दिन में पैसों को हाथ नहीं लगाते, फिर दिए तो भी नहीं लगाना। नहीं मैं और गूगल पे कर दो बोल, हमारे घर में बड़े जने गूगल पे करते ही नहीं, बाजी नहीं करते, दादी नहीं करते। तो मैं नेक्स्ट डे ले लूंगी। अच्छा तो मैं ईद के नेक्स्ट डे ईदी ले रही हूँ आपसे, ओके। यहाँ पे देखिए जोहा की मेहंदी इतनी प्यारी दिख रही है, इफ्तार को नीचे भी नहीं उतरे, पूरी तैयारी हम लोग करे। भाभी भी अपनी मेहंदी धो लिए और मेरी भी निकल गई। और इधर जोहा मैडम की रुक रही है, मम्मी पूछ रहे दुल्हन की डल रही क्या मेहंदी इतनी देर से, पूछ रहे। दादी देखो मेरी मेहंदी अच्छी दिख रही, बहुत अच्छी दिख रही, बहुत अच्छी है, खूबसूरत है नहीं? हाँ। उज्मा भाभी भी डला लिए, पहली ईद है ना उनकी। कौन डले? उज्मा भाभी। कौन डले? आए मेरी दोस्त है, जोहा के दोस्त है डालने। अच्छी डालने में, इधर नहीं डला, इधर ही डला बस, पतला डिजाइन डलाना था। हाँ दादी इधर अब टाइम नहीं है बोल के नहीं डलाई। इधर ये इधर भी डलाई, देखो ऐसा नहीं डाले। हाँ ऐसा पतला डाले, इधर डालेंगे बाद में बोल के बोले। अच्छी है नहीं? अच्छी है। आपको भी डालू क्या मैं? नको। चांद रात मुबारक। कल ईद है ना, तो आज चांद है, चांद रात मुबारक बोल। चांद रात मुबारक। चांद दिख रहा ऊपर जाके देखना है चांद। गैस मैं आपको बाहर चांद दिखाने आई और राजू भाई दिख गए सामने। ओके राजू भाई ईद के दिन आना यार, राजू भाई कुर्ता पैजामा पहन के क्या बोले? ओके गाइस, ओके राजू भाई बाय गाइस। लोग मैं जो है छत पे आया चांद देखने के लिए और चांद ही गायब है गाइस, कहाँ है चांद? आपको भी जो कि ईद मुबारक अभी बोले, तो गाइस चांद देख के नीचे उतरते हैं जब तक दुआ मांगेंगे। ये टाइम मेरे फूफू बोले कि 3 बार दुरूद शरीफ और 100 बार या तवाबो पढ़ने से दुआ मांगो इंशाल्लाह कबूल होगी। ओह माय गॉड मेरी सांस फूल रही, फिर नीचे चलते हैं। तो आज चांद रात है और ये प्यारा ड्रेस मैं भूमि को देने वाली हूँ जो हम लोग कल ले लेके आ रही। मैं ओल्ड सिटी से इयर रिंग्स भी ली थी तो अभी ले जाके मैं उसको दे दूँगी, बिकॉज उन्हें ईद को ही पहन सकती है। ये एक कफ्तान है, मैं आपको बताती हूँ इतना प्यारा ना, मेरे को भी इतना पसंद आया ये सच। ये देखिए कुछ ऐसे पैटर्न का है, ऐसा कफ्तान आ रहा स्लीव्स कन एंड दिस इज सो प्रिटी। लेकिन इसका दुपट्टा ये सब कुछ नहीं मिला, तो लेट्स सी लास्ट तक क्या होगा। तो अभी तो मैं जाऊंगी नीचे दे के आऊंगी, उसके बाद जो भी तैयारियां हैं हम मिलके करेंगे। और इधर मेरी मेहंदी देखिएगा, इस कलर तो चढ़ा नहीं लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। चलिए
आज चांद रात है तो इधर हम लोग जो है ना ये इसके सोफे के कवर्स पहना देंगे जल्दी से। मम्मी ये वाला लेके आए जाके, कब लेके आए मम्मी ये? हाँ दो दिन पहले ये वाला लेके आए जो बहुत ही प्यारा है। ये वाला पहले का था जैसे कि आपको याद है, तो अब ये वाला डाल देंगे। क्या बोले? कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। अब ब्यूटीफुल दिख रही है। ये देखिए बेडशीट कितनी प्यारी ले लेके आए ये लोग। मम्मी जो है ना, हम लोग नीचे थे जब तक पूरे हल्लू हल्लू काम शुरू कर दिए, और डैडी का क्या काम है, आके लेट जाएंगे इसके ऊपर और क्या। नहीं डैडी, यहाँ बाहर के सोफे पे ये वाला कवर डाल रहे थे मम्मी, मेरे को उतना खास नहीं दिखा, लेकिन बालकनी से इतनी धूल आती ना तो ये भी खराब हो जाता थोड़े टाइम में। यहाँ के सोफो को भी ये वाला कवर डाल दिए मम्मी। अब हमारे रूम में गए चेकिंग के लिए, और हमारे रूम में जो है ना अभी बेड शीट्स, कर्टन्स, जो भी कर्टन्स नहीं ब्लाइंड्स है, लेकिन बेड शीट्स वगैरह डालने का है, तो ये वाला भी हो गया। बेडरूम का भी गाइज हो गया डन। अभी जो भी बाकी काम है, क्लीनिंग व्लीनिंग सब करके कम्प्लीट कर देंगे हम लोग। गाइस दिस इज ऑल्सो रेडी। कल मम्मी लोग जाके ये दीवान के लिए भी जो है ना ये लेके आए, जैसे मैं आपको व्लॉग में बताई, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। अब हम लोग जाएंगे और मगजियात काटेंगे नीचे। चलिए यहाँ पे नीचे शिरखुरमे की तैयारी भी स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे पहले दूध बॉईल हो रहा था और फिर मगजियात भी कट हो रहे थे। आई होप आपके घर में भी रात से ही शुरू करते पूरे तैयारियाँ। हम लोग ने पहले सेवियाँ भी फ्राई करके रखते थे, बट ये टाइम नहीं करे, लेकिन ये टाइम बोले कि सुबह ही फ्राई करके डाल देते। और इधर इन लोग जल्दी से मगजियात काट रहे थे, इतना पतला तो मेरे को काटने आता नहीं। और जैसे कि आप सबको मालूम, चांद रात इज ऑल्सो नोन एज लैलतुल जायजा। ये दिन आप ढेर सारी दुआएं करें, जिक्र करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी 30 डेज की मेहनत का अजर आपको यही दिन दे दे। मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को दुआओं में याद रखी, आई होप आप लोग भी हम लोग को दुआओं में याद रखेंगे। जोहा जो है ना मेरा वो दुपट्टे का लेस टाकरे, एंड इतनी स्मार्टनेस है ना जोहा के अंदर, ये बात पे तो मैं अग्री कर चु। उन्होंने ये इसको क्या बोलते हैं टेप को, ये कुछ एक टेप आता है अमेजोन से, हम लोग मंगाए वो लेके उन्होंने स्टिक कर रहे टाकने की जगह। वेरी नाइस जोहा, प्राउड ऑफ यू। कोई एक चीज पे तो मैं तुम्हारे से क्या बोलते गर्व चीज नहीं, हर चीज गाइज हर चीज। तो जोआ इज डूइंग दैट फॉर मी, एंड आई विल प्रिपेयर फ्यू मोर थिंग्स। नीचे की तैयारियां भी हो गए, अभी ये बाकी है। अब दुपट्टे पे टिकली भी लगाना है, बट देन उतनी ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है। इट्स ओके, मत दो। और ये देखिए सबसे अच्छा मेरे को ये दीवान सेट लगा, इतना प्यारा है गाइज, और इतना मतलब कोजी कोजी है, जबरदस्त। तो जल्दी से तैयारियां करेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। तो गाइज अभी कुछ 12:10 कम है और इधर हम लोग की तैयारियां खत्म ही नहीं हो रहे। ये जो मेहंदी के स्टिकर्स में आपको ना लास्ट ईयर ईद के व्लॉग में बताई थी ना, वो अभी मैं डालने वाली हूँ भूमिका को और मेरे मम्मा को भी, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिला था, हम लोग को ही डाल के चले गए थे दीदी मेहंदी। तो अभी इन लोग में से भूमिका को चूज करके जल्दी से डाल लेंगे। देखो ये वाला एक हाथ पे आता, लेकिन आई थिंक दिस वुड लुक गुड। इसमें स्टार्स है नको, तुम चूज करो भाई, तुम्हारे हाथ है, हम रिस्क नहीं लेंगे यार, हम रिस्क नहीं लेंगे किसी के हाथ के साथ। ओनली वन इज स्पेल डाउन, समझे ना गाइस, ओनली वन इज स्पेल डाउन। गाइस फिंगर्स का हो गया, लेकिन हमेशा की तरह लास्ट वाला मेस्ड अप हो गया थोड़ा। अब ये वाला निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ नॉट बैड गाइस, डन हो गया उसके ये हाथ पे, इट्स लुकिंग ओके। मतलब ऐसा उतना बुरा भी नहीं दिख रहा, नॉट बैड। सामने लो, देखिए इतना बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा सडन प्लान्स के लिए आप डाल ले सकते। तो अभी मैं बाकी के काम करूंगी, इसका ये तो हो गया, चलो दूसरे हाथ पे करेंगे। One more hands I have. अब जोआ मेहंदी डालेंगी और जब तक मैं नमाज पढ़ लूंगी।
यहाँ पर देखिए ये टेबल क्लॉथ भी चेंज कर दिए और यहाँ पे मैं खजूर भी निकाल दी बिकॉज कल मस्जिद को जाने के टाइम खजूर खा के जाना है, इट्स अ सुन्नत। नीचे के सेंटर टेबल पे मैं कुछ भी नहीं रखी थी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ खजूर के साथ एंड ये प्यारा सा लैंटर्न जो मेरा हमेशा का फेवरेट है। फिर मेरे को याद आया मैं ऊपर मम्मी को रोक के रखी थी कि मैं कर देती हूँ आप सो जाओ, अगर वो नहीं करे तो फिर मेरी शामत है, तो मैं जल्दी से आके वो भी कम्प्लीट कर दी। मैं कोई काम करना और ख़राब ना होना ऐसा हो ही नहीं सकता। सो गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट आउटफिट, इसको मैं इसमें से निकाल दी और सब हो गया। अब मैं आपको ये कंप्लीट आउटफिट कल बताऊंगी, इधर मैं टंगवा दूंगी ये आउटफिट। और ये है जोहा का विच इज़ रेड, मेरा थोड़ा सिंपल है फर्स्ट डे का, नहीं मतलब थोड़ी देर का। एंड जोहा जो है ना पिक्चर्स के लिए अच्छी लाइटनिंग के लिए हैवी वाला ही पहन लेते सुबह, तो हम दोनों डिफरेंट है गाइज, मेरे को ये सिंपल वाला ही अच्छा है। और हमारा रूम देखिए गाइज कितना कोजी लग रहा है, आप वो भी उठा देने का है तो पूरा साफ हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद होपफुली नींद आएंगी तो सो जाऊँगी। मेरे को बस यही कहना था कि आप लोग भी नमाज़ की पाबंदी करें, रमज़ान में तो हर कोई करता लेकिन उसके बाद भी कोशिश करें, इंशाल्लाह हर चीज़ आसान हो जाती। आई हैव ट्राइड एंड स्पेशली तहज्जुद 5 टाइम की तो मैंडेटरी है ही, साथ में तहज्जुद भी पढ़े और रमज़ान के बाद भी अल्लाह से और क्लोज हो जाए इंशाल्लाह। तो अभी मैं जाऊंगी, आपको मिलते हैं कल ईद के व्लॉग में, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं कुछ डेकोरेशन करी नहीं क्योंकि मेरे डैडी लाए नहीं, उन्हें ढूंढे लेकिन मिला नहीं, तो कल इंशाल्लाह मिल जाएगा, तो कल सुबह ही कर देंगे। तो लेट्स सी कल ईद का दिन कैसा जाता, तो मैं यहाँ पर करती हूँ ये वाला व्लॉग एंड। और अभी जो है ना ये थोड़ा सा मैं स्पीक क्लीन कर दूँगी, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। चलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।